जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार सभी साथियों का। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए थे उनका सभी का मेडिकल जो है वो हो चुका है, और अब हम जो है इनसे जानेंगे कि कैसा रहा इनका मेडिकल और क्या रहा इनका मेडिकल का एक्सपीरियंस। बिल्कुल हाँ, तो आप सभी का मेडिकल हो चुका है, बिल्कुल क्लियर है सभी का। यस सर। तो सबसे पहले बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिल्कुल, तो सबसे पहले हाँ, तो आपकी कितने बजे हुई थी एंट्री? मेरी एंट्री सुबह हुई थी। कहाँ से आए आप? मैं अलवर से आया हूँ। अलवर से आए हो, तो कैसा रहा आपका मेडिकल एक्सपीरियंस? मेडिकल ठीक है सर, हो गया पूरा एकदम कम्प्लीट? हाँ कंप्लीट है, जो भी है, जो मेन करवाए यहाँ का कान का जो भी, हाँ जो मेन चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, और सारी चीज़ें बिल्कुल, आप इधर आए और सारा एनवायरनमेंट कैसा था? एकदम बहुत अच्छा है। ठीक अच्छा है हाँ, आप कहाँ से आए? अजमेर। अजमेर से, कैसा रहा आपका मेडिकल? बहुत अच्छा है सर। से मिले? हाँ सर, कोई मुलाकात? हाँ सर, बात हुई? हाँ सर। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर भी ठीक है। अच्छा, जो आर्मी में जो पॉइंट नहीं थे वो भी यहाँ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा मेडिकल हो रहा है। तो सारी चीज़ें आपने पहले करवाया हुआ आर्मी का मेडिकल? बहुत बढ़िया। हाँ, तो इनसे जानना चाहेंगे ये आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। ये बिहार से आए हैं, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास कुमार, तो ये आए हैं बिहार से। बिहार में कहाँ से आए हैं आप? मुंगेर जिला। मुंगेर जिला से, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कितने बजे आप निकले पहले वहाँ से? मैं वहाँ से 13 अक्टूबर को निकला था, और यहाँ मैं कुचामन सिटी 15 अक्टूबर को 9 बजे 13 अक्टूबर को निकले थे ये, और कुचामन में 9 बजे पहुँचे हैं। बिल्कुल हाँ यस सर, और यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, यहाँ वातावरण भी बढ़िया है। अब मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि कमांडो एकेडमी आइए, अपना भविष्य बेहतर कीजिए SSGD 23 और 24 के लिए। बिल्कुल, तो आपका मेडिकल हो गया पूरा कम्प्लीट? हाँ, सारा प्रोसीजर? यस सर, और जो आपको पॉइंट दिए जाते हैं उससे मैं डॉक्टर को दिखाइए और अपना चेकअप करवाइए फिर से, और फिर आप फाइनल में जा सकते हैं। तो आपको मिला कुछ मेडिकल पॉइंट वगैरह, या फिर सारा क्लियर है? एकदम सारा क्लियर है सर, और जो भी डाउट है मैं फिर से एक बार करा के फिर से मैं फाइनल में जाऊंगा। अच्छा, तो सर से मुलाकात हुई आपकी? हाँ सर, सर का भी स्वभाव बहुत बढ़िया है, मेरी विराट सर से भी बात हो गई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये बिल्कुल जो हैं जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अंदर हैं। एक बार दिखाएंगे अंदर की तरफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी मौजूद हैं, और अभी भी मेडिकल जो है वो कंटिन्यू चल रहा है अभी भी। हाँ, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हाँ आओ बताओ। मेरा नाम धर्म सिंह गुजर, मैं दौसा जिला से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। दौसा जिले से आए हैं ये? दौसा जिले से, बिल्कुल जी सर। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने यहाँ पर 9 बजे एंट्री ली थी। अच्छा, और मेरे को 3 पॉइंट दिए गए हैं। अच्छा, जो मैं डॉक्टर की सलाह पर देखते हुए उनको कोशिश करूँगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स के जैसा कि आपको पता है कि मेडिकल में जाने से पहले आपका मेडिकल अगर हो जाए तो इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जिनको अगर आप पहले से ही क्लियर करके रखें तो आपको पता रहता है कि आपको जो मेहनत है वो किस डायरेक्शन में करनी है। अगर चीज़ें पहले ही आपके पास क्लियर हो जाती है तो आप एकदम श्योर हैं कि मैं एकदम फिट हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन वही दिक्कत अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी देख लेते हैं तो उन चीज़ों का इलाज जो है वो पहले से ही करवा लें तो सबसे बेस्ट रहेगा, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल हाँ, और कुछ? बहुत अच्छा लगा सर का स्वभाव मेरे को यहाँ पर। सर से बात हुई आपकी? जी सर। बिल्कुल, सर ने बोला कि आप डॉक्टर की सलाह लेकर इसको तोड़ाने की कोशिश करो। अच्छा, और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा पढ़ाई को। अच्छा, और कोई स्टूडेंट है ऐसा जिसको? हाँ जी, मेरा नाम अमन कुमार हुआ और मैं बिहार पटना से आया हूँ। बिहार पटना से आए हैं ये? बिहार पटना से, यहाँ पर कुचामन सिटी राजस्थान। आप बिहार से कब, कितनी तारीख को निकले थे? हम बिहार से वही 14 तारीख को मॉर्निंग में निकले थे। अच्छा, और आज मॉर्निंग में 9 बजे के करीब हम यहाँ सेंटर पे पहुँच गए थे। आज कितनी तारीख है? आज है 15 तारीख। 15 तारीख, बिल्कुल एक दिन लगा आपको पहुँचने में। हाँ। तो सर किस नेक काम में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए आए हैं? सर को इस नेक काम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि हम जैसे छात्रों के लिए इतना अच्छा मतलब ऑर्गेनाइज आयोजन किए इस प्रोग्राम को, जिसमें कि हर ऐसे स्टूडेंट जो कि मेडिकल से पहले फिट खुद को पाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर सर ने ऐसा व्यवस्था किया जिससे हम बहुत खुश हैं। इसीलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारे डाउट्स जो हैं वो बिल्कुल पहले ही क्लियर हो जाएं, तो एकदम आप एकदम क्लियर हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।